नमस्कार साथियों, आज गोरखपुर में होलिका दहन का कार्यक्रम बहुत ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। यूपी एक्सप्रेस चैनल की टीम यहाँ के जिला अस्पताल के बगल में अति प्राचीन घोष कंपनी चौराहे पर यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ गोरखपुर मंडल ब्यूरो चीफ सुप्रिया श्रीवास्तव मौजूद हैं, हमारे साथ में माया बाजार के पूर्व भाजपा प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव सीतू मौजूद हैं, यहाँ के होलिका दहन जो कमेटी है उसके पदाधिकारी चंदन विश्वास भी मौजूद हैं। हम पूर्व यहाँ के भाजपा प्रत्याशी श्री मनोज श्रीवास्तव सीतू जी से जानना चाहते हैं कि होलिका दहन घोष कंपनी चौराहे पर कितने वर्ष से मनाया जा रहा है। जी, ये हम लोग पैदा हुए तब से देख रहे हैं होलिका दहन यहाँ पे मनाया जाता है। हमारे बाप दादा और हमारे इस गो संस्था के संरक्षक चंदन विश्वास जी हैं, इनके पिताजी के जमाने से यहाँ पे ये होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। हमारे बाबा के पूर्व जवाहर के समय से ये होलिका दहन हो रहा है, बचपन से मैं देखता आया हूँ ये होलिका दहन हो रही है। बहुत पुरानी होलिका दहन का ये कार्यक्रम है जो आज बहुत अच्छे से कार्यक्रम को साथियों आपने सुना कि अति प्राचीन, जैसा कि अभी वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि इनके पिताजी और उनके पिताजी के जमाने से घोष कंपनी पे होलिका दहन मनाया जा रहा है। हम ये कामना करते हैं कि गोरखपुर में रंगों का ये जो पर्व है ये बहुत ही अच्छे और धूमधाम तरीके से यहाँ पे मनाया जाए। हम चाहेंगे कि आज के दिन भाजपा प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव सीतू जी जनता के नाम, अपने वार्ड के सम्मानित सदस्यों के नाम, उत्तर प्रदेश की जनता के नाम, भारत के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? परमात्मा प्रेम के विजय के प्रतीक पर्व ये होलिका दहन के शुभ अवसर पे अपने वार्डवासी, अपने नगरवासी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और होली के परसों होली है, हम सब भाईचारे का त्यौहार है, हम सब होली मनाएंगे और आपस में प्रेम अबीर लगाएंगे और गले मिलेंगे। हम सभी वार्डवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम चंदन जी से भी जानना चाहेंगे आज के दिन नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात हो रही है भाई, बहुत अच्छी ने कहा है, सब प्रत्याशी है और बहुत अच्छी बात की है। मैं इनका समर्थन करता हूँ, हम भी सारे वार्ड के लोगों को पूरा अपना समर्थन देते हैं। धन्यवाद आपका इस चैनल में आने के लिए। यूपी एक्सप्रेस चैनल की टीम आपको हृदय से धन्यवाद देती है। और जैसा कि ये बुराइयों पे अच्छाइयों की विजय का प्रतीक है होली का पर्व, और निश्चित रूप में सभी के जिंदगी में रंगों की तरह से उत्साह की बारिश हो। और ये नया पर्व जो यहाँ पे मनाया जा रहा है ये सभी को आलोकित करे, वैभवशाली करे, इसी कामना के साथ यूपी एक्सप्रेस आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। बहुत बढ़िया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।